लेकिन एक और राज्य जहां पर राजनीति हलचल बेहद तेज है, झारखंड। बड़ी खबर यह कि थोड़ी देर में चंपई सोरेन का सरकार का फ्लोर टेस्ट होने वाला है और इसके लिए जो तमाम नेता हैं विधायक में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, बसेस के जरिए जो महागठबंधन के विधायक हैं वो पहुंचे और मीडिया का जमावड़ा। और बड़ी खबर ये भी है कि हेमंत सोरेन भी पहुंच चुके हैं रांची स्थित ये विधानसभा, जहां पर अब से कुछ घंटों के बाद फ्लोर टेस्ट होगा। अब सुनना होगा कि आखिरकार ये जो महागठबंधन के विधायक हैं वो क्या कहते हैं। आंकड़ों के लिहाज से बात करें तो अगर बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं होता तो यहां पर पूरी तरीके से महागठबंधन के पक्ष में आंकड़े बताए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि कई सारे ऐसे विधायक हैं जिनका कुछ पता नहीं है, वो ऐसे विधायक जो कि ना गए हैदराबाद ना पहुंचे सर्किट हाउस। अब वो विधायक क्या करेंगे, उनका रुख क्या होगा, वो देखना होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे कि तमाम जो विधायक निकल रहे हैं कोई भी मीडिया से बात नहीं कर रहा है। तो क्या इन्हें कहा गया था कि मीडिया से कुछ भी नहीं कहने को, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से स्थितियां बनी तो उसमें कई विधायकों ने बकायदा मीडिया से बात भी की थी। शायद यहाँ पर कुछ कहा जा रहा है, अगर हम एक बार अगर सुन पाए तो, वरना आपको ये बताते चले कि तमाम जो विधायक हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस की तैनाती, और खबर तो ये भी कि रांची विधानसभा के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। तो ऑल इज वेल जो ये विधायक हैं वो यहाँ पर कहते हुए और आश्वस्त नजर आ रहे हैं। जल्दी जल्दी आप लोगों को भी खिलाएंगे, आप लोगों को भी जल जलेबी। तो विधायक पहुंच रहे हैं, कह रही हैं कि मिठाई खिलाएंगे जल्दी आपको भी। बीजेपी वाले हम तो 48 लेकिन 40 के आसपास का दावा यहां पर किया जा रहा है। हालांकि अगर पूर्ण बहुमत कोई पूर्ण बहुमत कह रहा है, कोई मिठाई की बात कह रहा है, डरे थे न डरेंगे, डट के लड़ेंगे। तो ना डरा था ना डरेंगे, डट के लड़ा है, डट के लड़ेंगे, ये महागठबंधन के विधायक कह रहे हैं। इकतालीस का आंकड़ा है मैजिक फिगर, और महागठबंधन का दावा कि उसे अचीव इजिली कर लिया जाएगा। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और अदिति बहुत दिलचस्प है इस वक्त झारखंड विधानसभा और उसमें जो भी हलचल सामने आ रही है। महागठबंधन का अपना दावा जिसमें कहा जा रहा है कि बहुत आसानी से बहुमत का आंकड़ा हम अचीव कर लेंगे, लेकिन क्या इतना आसान होगा? बिल्कुल, देखिए आज खास दिन है झारखंड में, क्योंकि इतनी उठा पटक होने के बाद जब आज फ्लोर टेस्ट होगा तो चंपाई सरकार को अपने नंबर दिखाने होंगे। देखिए, सबसे पहले तो होना यह है कि सबसे पहले जब सत्र की शुरुआत है तो भाषण शुरू होगा महामहिम का, और उसके बाद फिर जो नियम 139 है उसके तहत मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को मंत्रिपरिषद में विश्वास प्रस्ताव उनको वो रखेंगे, और ऐसे में इस प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष की बहस होगी, वाद विवाद के बाद मतदान किया जाएगा। तो बेहद महत्वपूर्ण है, देखिए गठबंधन सरकार है, लंबे समय से चल रही थी, खतरा भी था, ऐसे में जिस बात का डर था ईडी को लेकर, तो जो पुराने मुख्यमंत्री हैं वो अभी फिलहाल तमाम तरीके के घटनाक्रम के बाद अब जो नए मुख्यमंत्री हैं उनको लेकर आज विश्वास प्रस्ताव होगा। लेकिन देखिए, आपने पिछले दिनों देखा होगा कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, राज्यपाल को लेकर सवाल किए गए कि वो सरकार बनाने नहीं बुला रहे, इस बीच में कई विधायक गायब भी रहे, संपर्क में भी नहीं रहे। ऐसे में इस बात का दावा करना कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से कि हम पूरे नंबर लेकर आएंगे, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन विश्वास प्रस्ताव फ्लोर टेस्ट एक बेहद महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो यहाँ पर टेस्ट करना वो महत्वपूर्ण है, लेकिन वाद विवाद होगा, चर्चा होगी, और ऐसे में दोनों ही महागठबंधन सरकार के लिए ये देखना होगा कि कितने नंबर, जैसा आपने कहा मैजिक फिगर की बात की, वो लेना होगा। इसलिए आज का ये परीक्षा की घड़ी है झारखंड में, झारखंड के फ्लोर टेस्ट में, क्योंकि आपने देखा कि बिहार में हाल ही में सरकार गई, वहीं आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। देखिए, एक तरफ दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण होना है, उसके अलावा उत्तराखंड का जो आज सत्र शुरू हो रहा है आज से, उसमें यूसीसी इंट्रोड्यूस होना है, और वहीं यहां पर आज महागठबंधन की लाज का समय है। फिर एक सवाल ये भी हो जाता है कि इस वक्त जो झारखंड में चल रहा है, खासतौर पर जो INDIA ब्लॉक की बात कर रहे हैं, जिसको एक के बाद एक झटके TMC से लेकर के जनता दल यूनाइटेड तक, क्या आज जो भी फ्लोर टेस्ट में नतीजा होगा
कि ये इंडिया ब्लॉक में जेएमएम के कद को भी बताएगा? बिल्कुल बताएगा, और ये किस किस का भविष्य तय करेगा, कांग्रेस का, जेएमएम का और पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन का। जहां टीएमसी चाहती है कि आपने जिसका जिक्र किया कि आप दो सीटें लें और आप बंगाल में हमारे साथ अलायंस कर लें और हम लेफ्ट को छोड़ दें, क्योंकि ममता बनर्जी अपने मुस्लिम समुदाय के वोटों को, माइनॉरिटी के वोटों पर वो चाहती हैं कि किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना हो, डिस्पर्स ना हो। वहीं जिस तरह के इंडिया गठबंधन के अस्तित्व पर सवाल है, आज जेएमएम का जो अग्नि परीक्षा है, फ्लोर टेस्ट है, और दोनों ही महागठबंधन की, वो दोनों का जो मजबूत और बनाएगा संबंध, और फिर ये खुद कांग्रेस और खुद जेएमएम दोनों के लिए, दोनों के अस्तित्व के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2024 में ये कैसे चुनाव लड़ेंगे, कितना लड़ पाएंगे, कैसे लड़ पाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है इनके गठबंधन को लेकर। ऐसे में लगातार फोन पर संपर्क, मल्लिकार्जुन खड़गे की भी बात हुई है जेएमएम के सीनियर नेताओं से, आपस में एक दूसरे के साथ बनाए रखने की, और उन विधायकों से जिनके ऊपर डर था कि वो कहीं ना कहीं फॉलआउट हो सकते हैं, उनको भी पिछले दिनों में कई बार रहा था। लेकिन अब दो तस्वीरें आ रही थी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, दो तस्वीरें जो कि इस वक्त अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। एक तरफ जब सबकी निगाहें झारखंड में टिकी हुई है कि आज चंपई सोरेन सरकार का भविष्य क्या होता है ये तय होने वाला है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के लिए आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, जहां पर इस वक्त वित्त मंत्री सुरेश खन्ना बजट पेश कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि यूपी का ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। जो ज्ञान की बातें कही जाती है, यानी कि गरीबी, युवा, किसान, अन्नदाता, नारी, उनको लेकर के बजट में क्या प्रावधान किया जाता है, अयोध्या, मथुरा, काशी के विकास के लिए क्या कहा जाता है, औद्योगिक गलियारे के लिए क्या कहा जाता है, क्या प्रावधान किए जाते हैं, वो देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इस वक्त की ये दो बड़ी खबरें हैं, दोनों तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, झारखंड में फ्लोर टेस्ट, और वो तस्वीर बहुत दिलचस्प थी अदिति, जब हेमंत सोरेन यहां पर पहुंचे, इस दौरान मीडिया से बातचीत करने की, मीडिया ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सोरेन ने बात नहीं की, और उनका भी एक अपना राजनीतिक इतिहास रहा है। हेमंत सोरेन कभी मुख्यमंत्री के तौर पर, कभी विपक्ष के नेता के तौर पर यहां पर पहुंचे होंगे, लेकिन उन्होंने कभी ये सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा अदिति कि एक आरोपी के तौर पर विधानसभा पहुंचेंगे। कि जब तक कि आपका जुर्म पूरी तरीके से वो कन्विक्शन और उसमें फर्क होता है, लेकिन हाँ, आज जब फ्लोर टेस्ट की बारी है, वोट करने की बारी है, तो खुद हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे। हालांकि रामदास एक विधायक हैं जो दिल्ली में अपना ऑपरेशन करा रहे हैं, तो वो आज इस फ्लोर टेस्ट के दौरान, वो जेएमएम के विधायक है, वो यहां पर नहीं पहुंचेंगे। जेएमएम और कांग्रेस दोनों ने ही अपने विधायकों को वेब जारी कराए, लेकिन हेमंत सोरेन का यहां पहुंचना और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पहुंचना, ये अपने आप में वो तस्वीर दिखाता है कि आज से अगर 5 से 7 दिन पहले या 10 दिन पहले की तस्वीर देखी होती और तब वो कैसे विधानसभा आते, या अब की तस्वीरें, और शायद आप सही कह रही हैं कि नहीं सोचा होगा हेमंत सोरेन ने कि वो इस तरीके से यहां पर पहुंचेंगे, जहां पूछताछ और पुलिस के उस पूरे झुंड के बीच में उनको आना पड़ेगा, और सिर्फ फ्लोर टेस्ट, वो भी किसी और के फ्लोर टेस्ट के लिए उनको यहां पर पहुंचना होगा, जहां वो लगातार पिछले 2.5 साल से सवाल था कि झारखंड में सरकार गिर जाएगी, और शायद और भी लंबे समय से ये चल रहा था कि झारखंड में कभी भी सरकार गिर सकती है। तो सरकार बचाते हुए, ऐसा जो खुद हेमंत सोरेन को लगता है, और उन्होंने कहा कि मैं ईडी और तमाम चीज़ों के सारे जवाब देने के बाद एक बार फिर वापसी करूंगा, और फिर जो आने वाले चुनाव में किस तरीके से आगे बढ़ना है 2024 और फिर झारखंड के चुनाव को लेकर 25 में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण थी जब हेमंत सोरेन पहुंचे और उनको सबसे बात करने के लिए भी मना किया गया है, उनको कोई भी बयान देने के लिए भी मना किया गया है, इस तरह की बात भी निकल कर आ रही है, और ना ही वो अपनी ही झारखंड में सरकार बनाई।